हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अभी पार्लियामेंट का जो न्यू सेशन हो रहा है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा। और ये स्पेशल सेशन होने जा रहा है, तो स्पेशल सेशन मतलब जब भी बुलाया जाता है कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो इन सब के चर्चा के लिए बुलाया जाता है स्पेशल सेशन। तो ये अभी हो रहा है और ये समझिए कि नई बिल्डिंग में होगा, जो पार्लियामेंट का नई बिल्डिंग बना है उसमें होगा ये बताया जा रहा है। तो इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, इसमें क्या क्या चेंज हो सकती है और पुरानी संसद का क्या होगा और इसमें कौन कौन से बिल इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। एंड वन नेशन वन इलेक्शन बिल मे बी इंट्रोड्यूस, बट आई थिंक इट कांट बी हैपन इन दिस सेशन, बट आपको देखने को मिलेगा, देखिए क्या होता है, लेकिन इंट्रोड्यूस हो सकता है ये। तो ये सब चीज़ें भी हैं, तो ये भी डिस्कस होंगी और बिल मैं आपको बताऊंगा। वीमन रिजर्वेशन जो बिल है वो भी आ सकता है, तो इसमें मैं आप बताऊंगा कि वो कैसे आ सकता है ये भी। और तो नया बिल्डिंग में देखिए अभी होता क्या है। तो पहला दिन तो देखेंगे कि मतलब पुरानी संसद में ही हो गया जो होना था, अब जो है ये समझिए नई संसद में होगी। तो इसमें होनी क्या क्या है चीज़ें, तो ये आपको पता चलेगा। तो पहले हम देख लेते हैं जो नई संसद भवन बनी है। तो नई संसद भवन में तो आपको पता है कि 862 करोड़ रुपये के आसपास लगा है ये बनाने में। और ये समझिए कॉलोनी, जो मतलब कॉलोनी ये सेट करके गए थे ब्रिटिश हमारे यहाँ पे, कॉलोनाइज करके गए थे, तब से मतलब हमारा वो चेंज करने का था, तो ये बहुत लेट से चेंज हो रहा है। तो ये सब तो चेंज होनी चाहिए और पार्लियामेंट मतलब बिल्डिंग चेंज होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी अभी चेंज हो रहा है समझिए, और जो जो भी चीज़ें हैं तो वो चेंज होनी चाहिए। और इसमें समझिए कि जो भारत नाम है और इंडिया नाम है, तो इन मतलब भारत नाम किया जा सकता है ये भी बोला जा रहा है। तो ये भी कॉलोनी जब हम हुए थे तभी वो वेस्टर्न कंट्री ही ये नाम दिए थे, तो इसको भी चेंज करने का। लेकिन आप टाइम पीरियड देख सकते हैं, टाइम पीरियड जब इंडियन गठबंधन गठबंधन ये बनता है मतलब समझिए, तब जाके ये चेंज करने का बात किया जा रहा है। तो ये टाइम को लेके थोड़ा ये है, ये बहुत पहले ही चेंज किया जाना था। और इसमें अभी देखेंगे तो मतलब लोकसभा की सीटें जो है ये 888 लोकसभा की सीटें दी गई हैं, और 384 आपको देखने को मिलेगा राज्यसभा की सीटें हैं इसमें, जो नई संसद भवन है हमारी, तो इसमें होगा। और इसमें आपको देखने को मिलेगा पूरी तरह से ये मॉडर्नाइज है। और दूसरा नंबर ये भी देखने को मिलेगा, अब सारे जो ड्रेस कोड है ये भी चेंज हो जाएंगे, जितने भी कर्मचारी हैं उनके ड्रेस कोड चेंज हो जाएंगे, अब जूते तक उनके चेंज हो जाएंगे। और आपको ये भी देखने को मिलेगा जो सचिवालय के कर्मचारी होते हैं, तो सचिवालय ही समझिए मेन संसद का बैकबोन होता है, जहाँ पर सारी चीज़ें काम होती हैं, तो उनका ड्रेस कोड चेंज हो जाएगा। अब सूट बूट जो वो पहनते थे वो सब छोड़ के अब देखेंगे नेहरू कोट जो है वो चलने लगेगा, तो वो कोट पहन के अब काम करेंगे। तो पूरी तरह से हमारा मतलब टारगेट है कि चेंज कर देने का। तो अब हम देख लेते हैं कि मतलब पुरानी संसद भवन का क्या होगा। तो पुरानी संसद भवन का यही बताया जा रहा है कि पुरानी संसद भवन जो भी है ये अब पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। और इसमें मतलब पूरी तरह से चेंज मतलब क्या है, अब इसको मतलब समझिए कुछ पार्ट को इसके जो है ये समझिए कि देखने के लिए म्यूजियम बना दिया जाएगा, कुछ पार्ट म्यूजियम रहेगा जो कि आम पब्लिक के लिए वहाँ पे खोल दिया जाएगा, आम पब्लिक जाके वहाँ पे देख सकती है। और कुछ पार्ट में ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, कुछ जो संसद के काम है तो पुरानी बिल्डिंग में ही होंगे, जो कंटिन्यू अभी चलते रहेंगे, पुरानी बिल्डिंग में कुछ काम होते रहेंगे ये आपको देखने को मिलेगा। और कुछ पार्ट को वहाँ पे जो म्यूजियम है वो बना दिया जाएगा और आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, जो आम पब्लिक वहाँ पे जाके देख सकती है। और इसमें ये भी बोला जा रहा है अब जो पुरानी संसद है तो उसको भी आधुनिक जितनी भी समझिए कि मॉडर्न टेक्निक होती है उनसे, टेक्नोलॉजी से जाके उनको अब जाके मॉडर्नाइज किया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा उसमें ज़्यादा चीज़ें तो है नहीं, लेकिन अब उसको फिर देखेंगे मॉडिफाई कर दिया जाएगा जो पुरानी संसद भवन है। तो ये तीन काम आपको देखने को मिलेंगे, एक तो मॉडिफिकेशन होगा, दूसरा आपको देखने को मिलेगा म्यूजियम बनाया जाएगा कुछ पार्ट को, और कुछ पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि मतलब काम चलते रहेंगे। तो ये चीज़ें होंगी पुरानी संसद भवन के साथ ये। और बिल इंट्रोड्यूस का जहाँ तक आप देख सकते हैं, तो बिल इंट्रोड्यूस में पहले वन मे बी वन नेशन वन इलेक्शन कुड बी इंट्रोड्यूस, मतलब इट कांट बी हैपन, मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये हो पाएगा, क्योंकि आपको देखिए मतलब कि जो कमेटी बनी है तो वो अभी रिपोर्ट आई नहीं है, फिर से एक कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन का तो बना ही था, अब गवर्नमेंट सोच रही है वन नेशन वन जो वोटर कार्ड होता है वो भी हो, तो इस पर भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या होगा। तो ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। और वुमेन रिजर्वेशन बिल भी बोला जा रहा है कि ये भी आ सकता है, वुमेन रिजर्वेशन बिल, तो समझिए इसमें क्या होगा। तो अब वुमेन रिजर्वेशन बिल मतलब कि इसमें बोला जा रहा है कि जहाँ जहाँ 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो गई है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहाँ पे पहले देखेंगे दो लोग आते थे, मतलब ये बहुत बार हो चुका है ब्रिटिश टाइम में, दो लोग एक हिंदू एक मुस्लिम एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते थे। तो पार्लियामेंटो सुधार में आप देखेंगे वो चीज़ें लाई गई थी। तो ऐसा ही बोला जा रहा है जहाँ पे जनसंख्या मतलब 20 लाख से ज़्यादा है तो एक तो जनरल सीट रहेगा ही जिसमें मतलब कोई भी लड़ सकता है, और दूसरा जो सीट रहेगा समझिए उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वो वुमेन वहाँ से आ सकती है, ये भी बोला जा रहा है। तो ये भी हो सकता है, देखिए इसका क्या होता है। और अगला मतलब ये कार्ड समझिए कि ये भी बोला जा रहा है कि ये कार्ड खेला जा रहा है इलेक्शन के लिए। और इस पे और बिल जो इंट्रोड्यूस हो सकता है इसमें ये बोला गया है कि जो पोस्ट ऑफिस बिल है वो भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो पोस्ट ऑफिस बिल उसमें कुछ सुधार करने हैं वो भी इंट्रोड्यूस हो सकता है।
और ये जो भारत और इंडिया का है मुद्दा चल रहा है, तो भारत नाम किया जा सकता है, क्योंकि ये वेस्टर्न जितने भी थे तो ये दे के आए थे, मतलब हमें दिए हैं, तो ये फिर चेंज हो सकता है यहाँ। और फिर जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, समझिए उनका जो अपॉइंटमेंट होता है, मतलब नियुक्ति समझिए, उनका भी बिल अभी चेंज हो सकता है, मतलब कि कैसे उसको नियुक्त किया जाएगा, इसमें भी एक बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये भी बताया गया है। और जो चंद्रयान और फिर देखेंगे जो G20 हम सही से कर पाए हैं, इसके लिए देखेंगे कि एक मतलब कि प्रस्ताव एक पेश हो सकता है, मतलब इसके सफलता के लिए, समझिए वहाँ पे उनको धन्यवाद दिया जा सकता है। ये सब चीज़ें होंगी, मतलब यही सब चीज़ें इसमें होने वाली है, यही देखने को मिलेगा। तो मेन चीज़ें हैं कि संसद भवन का उद्घाटन होगा, जो मैंने बता दिया, ये सब चीज़ें, ये ही टॉपिक था पूरा। तो ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।